Good morning, students. I hope you all are doing good. I am your science teacher. Today, I am going to explain third chapter of science, The Way We Live. What is the Hindi meaning of The Way We Live? जिस तरह हम रहते हैं, हमारे रहने का तरीका, The Way We Live. So, in this chapter, we will discuss about the way we live. हम किस तरह रहते हैं, हमारे डेली लाइफ में हमारे रहने का तरीका क्या है. डू यू नो दैट क्लीन इन्वायरमेंट इज़ इसेंशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ. क्लीन इन्वायरमेंट, आपको पता होगा, क्लीन इन्वायरमेंट हमारे लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत इसेंशियल है, बहुत ही ज़रूरी है. आर यू अवेयर दैट कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर ऑफ हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट. आप अवेयर हैं जो ट्रीज डे बाई डे कट होते जा रहे हैं लार्ज नंबर में, वो हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए. क्यों हार्मफुल हैं ट्रीज, जो डे बाय डे ट्रीज कटते जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रही है और ऑक्सीजन कम हो रही है, क्योंकि ट्रीज हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं. इसलिए जब ट्रीज ही कट जाएंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी ज़्यादा. ओके, सो इन्वायरमेंट, फर्स्ट टॉपिक इज इन्वायरमेंट. अवर इन्वायरमेंट इंक्लूड लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. हमारा इन्वायरमेंट इंक्लूड करता है, मिलके बना है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों चीज़ों से मिलके हमारा इन्वायरमेंट बना है. द लिविंग थिंग लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट आर लैंड, वाटर एंड एयर. नॉन लिविंग कंपोनेंट इन्वायरमेंट में लैंड, वाटर एंड एयर है. लिविंग कंपोनेंट आर जर्म्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल. और लिविंग कंपोनेंट्स हैं जर्म्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल. द वे ह्यूमन बींग्स लिव अफेक्ट द इन्वायरमेंट इन नंबर ऑफ वेज. ह्यूमन बींग्स इन्वायरमेंट को डिफरेंट वेज से, बहुत अलग अलग तरीक़ों से अफेक्ट करता है. वो तरीके वी विल डिस्कस अबाउट हेयर. वट इज़ द वेज टू बिल्ड मॉडर्न सिटीज. मॉडर्न सिटीज बनती जा रही हैं, ये भी अफेक्ट कर रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में. फॉरेस्ट आर बींग कट डाउन. फॉरेस्ट कटते जा रहे हैं. वी यूज ह्यूज क्वान्टिटी ऑफ वाटर फॉर ओवर अवर सेल्फ. हम अपने ऊपर लार्ज नंबर क्वान्टिटी में वाटर यूज़ करते हैं, फॉर अवर गार्डन्स, फॉर कीपिंग होम क्लीन, अपने घर को क्लीन करने के लिए, गार्डन के लिए. वी नीड इलेक्ट्रिसिटी टू रन फैन, एयर कंडीशनर्स एंड मशीन्स इन आवर होम. हमें इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत होती है अपने घर में, AC चलाने के लिए, फैंस चलाने के लिए एंड डिफरेंट जो मशीनें हैं उन्हें चलाने के लिए. वी नीड कुकिंग गैस ऑल्सो. हमें कुकिंग गैस की भी नीड होती है. वी यूज़ पेट्रोल, डीजल, ऑयल, नेचुरल गैस टू रन कार्स, स्कूटर, बसेस एंड ट्रक्स. हमें पेट्रोल, डीजल, ऑयल, नेचुरल गैस की ज़रूरत होती है फॉर कार रन करने के लिए, स्कूटर रन करने के लिए, बसेस के लिए, ट्रक्स के लिए. वी यूज़ मैनी थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक. हम बहुत सारी चीज़ें जो प्लास्टिक से बनी हैं, डिफरेंट थिंग्स, वो यूज़ करते हैं, जैसे ग्लास एंड मेटल्स. ये सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में. टू मेक दिस मैन मेड मटीरियल, फैक्ट्रीज यूज अप न्यूमरस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल. फैक्ट्री में न्यूमरस अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है और फ्यूल यूज़ होते हैं. नाउ एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट इज़ अनफेवरेबल फॉर लिविंग बींग्स इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन. इन्वायरमेंट में जो भी चेंज होता है अनफेवरेबल है, मतलब फेवरेबल नहीं है हमारे लिए, जो अच्छा नहीं है उसे ही इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कहते हैं. एनी चेंज इन द एनवायरमेंट दैट इज़ अनफेवरेबल फॉर लिविंग बींग इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन. इन्वायरमेंट में जो भी अनफेवरेबल चेंज होता है उसे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कहते हैं. दिस अनफेवरेबल चेंज मे बी कॉज्ड बाय ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स. ये जो अनफेवरेबल चेंज इन्वायरमेंट में होता है वो क्यों होता है, जब हम नेचुरल रिसोर्स है, हमारे नेचुरल रिसोर्स क्या क्या हैं. वट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, डू यू नो दैट, थिंक अबाउट इट. वाटर, एयर, ग्रीन प्लांट्स, दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज. जब हम इनका ओवर यूज़ करते हैं तो क्या हो रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन चेंज आते हैं इन्वायरमेंट में. कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जो पॉल्यूशन कॉज करते हैं. मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन लैंड, एयर, वाटर, प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लिविंग स्टॉक इन कंजेस्टेड एरिया
एक्सेट्रा। हार्मफुल सब्सटेंस, कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस हैं जो लैंड में, एयर में, वाटर में मिक्स हो जाते हैं, जिससे भी पॉल्यूशन कॉज होता है। पीपल्स, लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उससे भी पॉल्यूशन कॉज हो रहा है। अ सब्सटेंस दैट कॉज पॉल्यूशन इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट। वो सब्सटेंस जो पॉल्यूशन कॉज करते हैं पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। अमंग द मेजर कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन आर द रिलीज ऑफ हार्मफुल गैसेज एंड केमिकल्स बाय फैक्ट्रीज इन आवर सराउंडिंग्स, डिस्चार्ज ऑफ हार्मफुल फ्यूम्स बाय ऑटोमोबाइल्स ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फ्यूल। मेजर कॉज इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कॉज करने के लिए मेजर कॉजेज क्या हैं? कुछ केमिकल्स हैं, गैसेज हैं जो फैक्ट्री से रिलीज होती हैं, वो भी इन्वायरमेंट में हार्मफुल इफेक्ट डालती हैं। और ऑटोमोबाइल्स कंपनियां हैं जिससे धुएं निकलते हैं, वो भी हार्मफुल इफेक्ट डालता है। केमिकल्स, गार्बेज जो वाटर बॉडीज में, जो कूड़ा करकट, गार्बेज मीन्स कूड़ा करकट जो वाटर में मिल जाता है, वो भी इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कॉज करता है। पॉल्यूशन कैन कॉज सीरियस डिजीज टू ह्यूमन मिक्स। पॉल्यूशन ह्यूमन मिक्स में सीरियस डिजीज कॉज करता है। पॉल्यूशन इज डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट मे बी रेंडर लैंड एंड वाटर यूजलेस फॉर ह्यूमन मिक्स। पॉल्यूशन से फॉरेस्ट का भी डिप्लीशन होता जा रहा है, फॉरेस्ट भी कटते जा रहे हैं पॉल्यूशन के, उससे ही फॉरेस्ट में भी इफेक्ट पड़ रहा है। मे रेंडर लैंड, वाटर सब ह्यूमन मिक्स के लिए यूजलेस होता जा रहा है पॉल्यूशन के ही कारण। एयर पॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ हार्मफुल गैसेज ऑल्सो हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट। एयर पॉल्यूशन कैसे होता है? हार्मफुल गैसेज से ही एयर पॉल्यूशन होता है, तो ये भी इन्वायरमेंट में हार्मफुल इफेक्ट कॉज करता है। दे कैन किल प्लांट्स, प्लांट्स को किल कर सकता है एयर पॉल्यूशन, एंड इवन एनिमल्स, एनिमल्स को। एयर पॉल्यूशन ऑल्सो कॉज ग्लोबल वार्मिंग। एयर पॉल्यूशन कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज करता है, एंड एसिड रेन भी कॉज करता है, एंड अलाउ टू हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज टू सन टू फॉल ऑन द अर्थ। और अलाउ करता है एयर पॉल्यूशन से ही जो अल्ट्रावायलेट रे हैं, सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं जो सन से आती हैं, वो पृथ्वी पे, अर्थ पे पड़ती है। एयर पॉल्यूशन के वजह से ही वो ज़्यादा इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट डाल रही हैं सन से आने वाली रेज। नाउ सेकेंड टॉपिक इज ग्लोबल वार्मिंग। वट इज ग्लोबल वार्मिंग? एन इंक्रीज इन द अर्थ नॉर्मल टेम्परेचर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग द अर्थ नॉर्मल टेम्परेचर। अर्थ का जो नॉर्मल टेम्परेचर है डे बाई डे इंक्रीज होता जा रहा है, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। द टेम्परेचर इंक्रीजेज कॉज्ड बाय द सर्टेन गैसेज। कुछ गैसेज हार्मफुल गैसेज हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, उन्हें ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज, दीज गैसेज आर वेरी हार्मफुल। एयर पॉल्यूशन इंक्रीज द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज से एयर पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है इन द एटमोसफेयर, एटमोसफेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दीज आर ग्रीन हाउस गैसेज। द ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप हीट, हीट को ट्रैप कर देता है। ट्रैप मीन्स हीट को पकड़ के, मतलब ट्रैप करके रखता है अपने पास। एंड लाइट फॉर्म टू सन इन द अर्थ एटमोसफेयर। ग्रीन हाउस गैसेज हीट को ट्रैप करती हैं, ट्रैप करके रखती हैं, और सन से आने वाली जो लाइट है उसे भी ट्रैप करती है अर्थ एटमोसफेयर में, अर्थ के एटमोसफेयर में। दस इंक्रीजिंग द अर्थ टेम्परेचर, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि ये हीट और लाइट गर्मी को ट्रैप करके रखती है। तो इससे क्या होती है, अर्थ में और भी टेम्परेचर बढ़ता है। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है तो गर्मी और ज़्यादा बढ़ती है। ओके, ग्लोबल वार्मिंग कैन रिजल्ट इन मेल्टिंग ऑफ आइस। ग्लोबल वार्मिंग के रिजल्ट से आइस मेल्ट होती जा रही हैं इन पोल्स, पोलर एरियाज जहाँ हैं, ठंडे एरियाज में आइस भी वहाँ की मेल्ट होती जा रही है, क्योंकि इन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती ही जा रही है। कॉजिंग द राइज इन वाटर लेवल ऑफ ओशियन, में वाटर लेवल्स बढ़ता जा रहा है। दिस कैन रिजल्ट द फ्लूड इन द वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिससे
कि बाढ़ आने की बहुत सारे वर्ल्ड में बहुत सारी जगह में बाढ़ आने की आशंका भी बढ़ रही है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट ग्लोबल।